प्रिंसिपल कमेंट F3 कविता या बैट सो। वेल आज का ये जो हमारा वीडियो है बहुत बहुत स्पेशल है, क्योंकि अब तक इस हमने वीडियोस में आपको बताया आप कैसे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी अपनी पा सकते हैं, आप कैसे तो वेट रिड्यूस कर सकते हैं, आप कैसे फैट बर्न कर सकते हैं, आप कैसे अपनी टमी को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी थाइस को टोन अप कर सकते हैं। इस तरह के हमने आपको वीडियोस बनाए कैसे आप अपने एप्स बना सकते हैं। लेकिन अब जो आज हम आपको बताने चाह रहे हैं कि अगर आप एक अच्छा एक वेट अपने आप को गेन कर लेते हैं, यानी अच्छा आपने वेट रिड्यूस भी कर लिया, एप्स भी बना लिए, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, उसका रीजन ये होता है कि आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है। और कविता सियोबिक्स वर्कआउट इज द टोटल बॉडी फिटनेस, और फिटनेस का मतलब होता है एक अट्रैक्टिव बॉडी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। जब इंटरनली की हम बात करते हैं तो इंटरनली में आप अंदर से पूरी तरह से हेल्दी और स्वस्थ होनी चाहिए, जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नली में आपकी बहुत अच्छी फिजिक होनी चाहिए, और अच्छी फिजिक के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट पोस्चर। अगर आपने बहुत अच्छे से आप अपने बॉडी को एक टोन अप कर लिया है, लेकिन अगर आप ठीक से अगर आपका पोस्चर नहीं तो आप बिल्कुल ही खराब लगेंगे, इनफैक्ट यानी कि आप अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। आप चाहे कोई भी कपड़ा पहने, अगर आपने अच्छे पोस्चर में अगर आप एक प्रॉपर तरीके से आप खड़े नहीं हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस नहीं होगी। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हम कविता सीरीज में आपको बताते हैं कि हाउ टू लुक हेल्दी एंड अट्रैक्टिव। तो हम आपको बता रहे हैं कि यूजुअली होता क्या है, जब हम खड़े होते हैं तो हम नॉर्मली खड़े जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं कहीं प्रेजेंट, आज के ज़माने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, और कविता सीरीज वर्कआउट इसमें आपको हेल्प करता है गेट अ राइट फिजिक एंड राइट बॉडी पोस्चर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके जो शोल्डर्स होते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, शोल्डर्स होते हैं उसे आपको हमेशा इस तरीके से रखना है। बहुत सारे लोग अपने शोल्डर्स को या तो ऐसे रख लेंगे या बहुत लोग राउंड शोल्डर्स रखेंगे, विच इज वेरी रॉन्ग। आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रेट शोल्डर्स रखने हैं, ना ही बहुत ऊपर ना ही बहुत नीचे, नॉर्मल एक स्ट्रेट शोल्डर जो जिसे कहते हैं प्रॉपर शोल्डर्स, जैसे बैक करके प्रॉपर शोल्डर। तो ये आपके शोल्डर्स इस तरीके से पूरे लेवल स्ट्रेट करके आप लेवल में होने चाहिए, ठीक इसी तरह से आपके शोल्डर्स ना ही बहुत ऐसे हों ना ही आगे राउंड हों, शोल्डर्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट हों। सो फॉर द शोल्डर उसके बाद में हम आगे चलते हैं हमारे बैक की तरफ। लोग ज़्यादातर या तो अपनी स्पाइन को राउंड कर लेते हैं या अपनी स्पाइन को बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ कर लेते हैं, विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग। एक एज के बाद या तो आपकी स्पाइन में पेन होना शुरू हो जाएगा या तो आपकी स्पाइन, आप बहुत जल्दी से काफ़ी एज दिखेंगे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की आदत डाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको ना तो इस तरीके से खड़े होना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ करके खड़े होना है, टोटली रॉन्ग फॉर योर स्पाइन एक्चुअली। तो आपको स्पाइन को अपने स्ट्रेट रखना है, दिस इज द प्रॉपर स्पाइन, आपको स्ट्रेट अपनी कमर को स्ट्रेट रखो, ना ही बहुत ऐसे जाए और ना ही इसको राउंड करें, प्रॉपर एक स्ट्रेट स्पाइन रखें। एंड देन आफ्टर दैट लोग ज़्यादातर अपने हिप्स को, अगर आपने एब्स भी बना लिए हैं तो अगर आपने एब्स बना लिए लेकिन आपका एक प्रॉपर पोस्चर नहीं है तो आप बहुत आपके एब्स भी अच्छे नहीं लगने वाले हैं। सो अगर आपने एब्स बनाए हैं या अगर आपको ये अपनी वेस्ट लाइन बहुत अच्छी दिखानी है तो आपको इसके लिए नहीं आपको बहुत अपने टमी को ऐसे आगे करके खड़े होने, अगर आप पतले हो गए लेकिन आपने टमी को आगे करके खड़े हैं तो भी बहुत खराब लगेगा, या तो बहुत ही उसको इस तरीके से अंदर करके खड़े वो भी गलत है। तो एक नॉर्मल एक प्रॉपर एक आपका एक पोजिशन भी होनी चाहिए, वेरी स्ट्रेट आपकी चेस्ट हमेशा, या तो आप जैसे आप राउंड शोल्डर करते चेस्ट अंदर तो चेस्ट नॉर्मल, बहुत आउट नहीं एकदम नॉर्मल। उसके बाद में हमारे तो हिप्स की तरफ, हिप्स या तो लोग बहुत ऐसे खड़े होते हैं या बहुत इस तरीके से हिप्स को बाहर निकाल खड़े होते हैं, वो भी गलत पोस्चर है। तो आपको एक नॉर्मल एक प्रॉपर एक हिप्स का पोस्चर होना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए। तो ना ही आप बहुत ऐसे रहें उसको, ना ही आप उसको बहुत अंदर रखें, प्रॉपर एक नॉर्मल एक पोजिशन में आपको हिप्स को रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे नीज की, तो ज़्यादातर लोग जब खड़े होते हैं तो अपने नीज को पूरी तरीके से, ज़्यादातर आप देखते हैं कि लोग मॉडलिंग के चक्कर में अपनी हाई हील्स पहनते हैं या फिर हाई हील्स शूज में हो या सैंडल्स में हो, तो अपने नीज को हमेशा लॉक करके खड़े होते हैं। हमेशा नीज को लॉक करके खड़े रहना भी बहुत गलत होता है। तो हमेशा नीज को लॉक ना करके खड़े हो, बल्कि हमेशा या तो उसको घुटने को मोड़ना भी नहीं है आपको, यानी कि आप घुटनों को हल्का, कुछ लोग घुटनों को मोड़ कर भी हल्का खड़े होते हैं, वो भी गलत है। ना ही घुटनों को बहुत मोड़े और ना ही एकदम से नीज को लॉक करें, एक प्रॉपर जो आपके नीज स्ट्रेट होते हैं उसको नीज को ऐसे रखें, ना ही आपको लॉक करें नीज को यहाँ से और ना ही उसको ऐसे मोड़ें, एक प्रॉपर जो स्ट्रेट नीज है वो होनी चाहिए।
तो ये कुछ पोस्चर्स हैं जिन्हें आप लोगों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे चल के आपको या तो कहीं पेन दे सकते हैं या फिर आपको एक बहुत ही खराब बॉडी पोस्चर, एक खराब फिजिक प्लेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही वजह होती है कि लोग बोलते हैं हम पतले तो होंगे लेकिन फिर भी आप अट्रैक्टिव नहीं दिखते। उसका कारण यही होता है कि आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बॉडी पोस्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, या तो आपके राउंड शोल्डर्स हैं, या तो आपकी स्पाइन बहुत अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, उसके लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमको ईमेल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए। सो कविता सीएमएक्स वर्कआउट वॉन्ट यू टू लुक हेल्दी एज वेल एज अट्रैक्टिव विद अ लवली फिजिक, राइट? सो आप हमें ईमेल पर पहुंच सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी दे रखा है स्क्रीन के ऊपर, सो यू कैन रीच मी ऑन द ईमेल आईडी गिवन ऑन द स्क्रीन। एंड एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम आपको बताएंगे आप अपने पोस्चर के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।